नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सलूजा इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि घर के वो कौन से वास्तु दोष होते हैं जिसके कारण किसी घर के सदस्य को सिर या मुंह या गले का कैंसर होता है। दोस्तों, ये घर का प्लान है। दिशाएं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ में तो ईशान कोण, पूर्व उत्तर दक्षिण पश्चिम। जिन घरों में सिर का सिर में ट्यूमर हो जाता है, गले का है, मुंह का कैंसर होता है, उस घर में एक दोष होता है इस कोने पे, ईशान कोण पे। ईशान कोण बहुत ऊंचा हो जाए या ईशान कोण जो है, जो ईशान कोण का बढ़ना शुभ माना जाता है, पूर्व ईशान उत्तर ईशान बढ़ जाए थोड़ा सा हल्का सा, या पूर्व ईशान बढ़ जाए या छोटा सा हिस्सा यूँ बढ़ जाए, तो थोड़ा बढ़ना शुभ है पर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे लोग एक लंबे डंडे की तरह इतना बढ़ जाए, या एकदम कोई बड़ा एक हॉल इसका न्यू जुड़ के न्यू आ जाए, या इधर को ऐसा हॉल आ जाए इतना बड़ा, तो ये गलत है। इतना नहीं बढ़ना चाहिए ऊँचे से कि ये कंपाउंड वॉल या घर के अंदर। कंपाउंड वॉल में जैसे ओपन एरिया है तो यहाँ पर जो है बैठने के लिए बेंच लगा दी, या चबूतरा बना दिया, बहुत बड़ा चबूतरा बना के बैठने की जगह बना दी, या मंदिर की स्थापना कर दी तो चबूतरा बना लिया, ईशान कोण है ना, तो मंदिर बनाया जा सकता है। यहाँ लैंडस्केपिंग कर रहे हैं तो इस माउंटेन जैसा बनाया, मतलब हिल बनाई तो मिट्टी का ढेर लगा दिया तो ऊंचा कर दिया, या फाउंटेन ठीक है ना लगाया तो उसमें मिट्टी को बनाते हैं कोने में बना के और पानी निकल रहा है, पर ठोस होगी जगह, वो सीमेंट का बना देते कई बार। इस तरीके से यहाँ इस तरीके हो सकता है। घर के अंदर जैसे हिस्सा है तो यहाँ पर जो है टॉयलेट बन जाए इंडियन स्टाइल का, एक दो फिट दो तीन स्टेप के बाद अपन टॉयलेट जा रहे हैं तो ऊँचाई आ गई ईशान कोण में। या यहाँ पर सीढ़ियाँ हों तो सीढ़ियाँ आजकल स्लेब वाली बनती हैं, पर यहाँ शुरू के चार पांच टप्पे तीन चार टप्पे ठोस बना दिए जाए। या यहाँ पर मंदिर बने घर के अंदर ईशान कोण में और वो एक चबूतरा एक प्लेटफॉर्म बना के उस पर मूर्ति स्थापित कर दी जाए, किसी तरीके से ये हिस्सा ऊँचा हो जाए बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत तो बहुत ज़्यादा हो जाए, तो पहला दोष है। दूसरा दोष, पश्चिम दिशा में किसी प्रकार से बहुत निचाई आ जाए, पता लगे कि यहाँ पर जो है अंडरग्राउंड टैंक कुआ बोरिंग वो बहुत बड़ी टंकी या बहुत बड़ा बेसमेंट बन जाए, ऐसा कोई ज़मीन बहुत नीचे हो जाए इससे, या यहीं पर बाहर बहुत बड़ा यहाँ पर तालाब जैसा आ जाए वो ज़मीन नीचे हो गई, तालाब हो या बहुत बड़ा नाला हो तो भी ज़मीन नीचे हो गई, यहाँ पर वो बाहर भी हो सकती है, यदि आपने रास्ता रखा तो उसका इफेक्ट आने लग जाएगा, बहुत बड़ा नाला हो कुछ ऐसी स्थिति हो, यहाँ ये सब बढ़ जाए, ये बढ़ जाए पर नीचा होना ज़रूरी है, पहली कंडीशन नीचा होना ज़रूरी है, ये बढ़ जाए इस तरीके से बहुत ज़्यादा, या ये संयू आगे बढ़ जाए है ना, जैसे ये बताया यहाँ यहाँ पर बेसमेंट का कोई कमरा मतलब बेसमेंट अंदर बन जाए, किसी तरीके से बहुत नीचा हो जाए, दोस्तों उस घर में सिर का मुंह का गले का कैंसर होने की संभावना रहती है उस घर में किसी सदस्य को। दोस्तों यदि किसी घर में ऐसी समस्या है, कोई मरीज है, तो पहली बात तो आप उस मरीज का इलाज कराते रहिएगा, इलाज कराना ज़रूरी है। वास्तु दोष ठीक करने से कैंसर की बीमारी दूर नहीं होगी, पर हाँ ये ज़रूर है कि आपने वास्तु दोष दूर कर लिया तो भविष्य में किसी को नहीं होगी, बचाव हो जाएगा, पर ऑलरेडी कोई है मरीज तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस दोषों को दूर करिए ताकि उसको राहत मिल सके, या नेगेटिव एनर्जी से जो उसको दिक्कतें आ रही हैं उससे उसको राहत मिले। वास्तु दोष दूर होने से उसका कम दवाइयों में इलाज होता रहेगा, उसकी उम्र बढ़ेगी, लॉन्गिविटी बढ़ेगी, तो वास्तु दोष दूर करना ज़रूरी है, पर दवाई कराते हुए यदि ऑलरेडी मरीज है तो, और घर के और सदस्यों को बीमारी ना हो उससे बचाव के लिए वास्तु दोष दूर करना ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।